हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी और आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक फैक्ट्री में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएएस के इंटरव्यू पूछे गए ऐसे 12 क्वेश्चन जिसके आंसर सोचना किसी नॉर्मल आदमी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर देने के लिए आपका काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होना जरूरी है और आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते क्योंकि आपको उस इंटरव्यू में सिलेक्ट होना है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि ये तो इम्पॉसिबल है, आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना ही होगा, बस आपको उस आंसर के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के एक एक करके इन इंटरव्यू क्वेश्चन से पर्दा उठाते हैं और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पूछने के बाद आपके पास पूरे 10 सेकंड होंगे और अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और जिसको आंसर पता लग जाए वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकता है, जो कि एकदम फ्री है, जिसमें कि आपके पैसे नहीं कटेंगे और आपका आंसर भी मेरे पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इस फीचर को यूज करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किसका आंसर सही निकलता है। क्वेश्चन नंबर 1। तो आईएएस का इंटरव्यू लेने वाला ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर मैं तुम्हारी बहन को लेकर भाग जाऊं तो तुम क्या करोगे। तो दोस्तों, आपने शायद पहले भी ये क्वेश्चन सुना होगा, अगर आपको आंसर पता लग गया है तो कमेंट करके बताओ। दोस्तों टाइम्स अप। तो दोस्तों, जो इसका आंसर है वो काफी सिंपल है, क्योंकि जो इंसान आईएएस का इंटरव्यू ले रहा है वो इंसान खुद कौन सी रैंक पे होगा आप इस चीज का खुद से अंदाजा ला सकते हैं। तो अगर आपकी बहन ऐसी किसी इंसान के साथ भाग गई है तो आपको इसमें क्या दिक्कत होगी, तुमको आईएएस से अच्छा रिश्ता कहां पे मिलेगा। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर इस तरह देने हैं ताकि आपका उस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसी जगह टारगेट करते हैं जिसे कोई नॉर्मल इंसान सोच नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों, क्वेश्चन है आपकी शर्ट में टोटल कितने बटन हैं। और दोस्तों, जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो गिन कर दे देंगे तो अगर आपने ऐसा किया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको आंसर पता लग गया तो कमेंट करके बताओ। दोस्तों टाइम्स अप। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका आंसर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाएगा, भले ही आप जितने मर्जी बटन बोल दो। अब दोस्तों, जो लोग सोच रहे हैं कितने मर्जी बटन यानी कि हजार बटन भी बोल दो, मतलब कि जो आपके अंदाजे के आसपास आए, आपको वो नंबर बोलना है ताकि वो नंबर जेन्युइन लगे। बस वो आंसर देने के बाद आप में ये नोटिस किया जाएगा कि आप अपने आंसर को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों, क्वेश्चन है आपको एक कच्चे अंडे को एक कंक्रीट की जमीन पर इस तरह फेंकना है ताकि वो ना टूटे। अगर आपको आंसर पता लग गया तो कमेंट करके बताओ। दोस्तों टाइम्स अप। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर जानना है तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन था आपको एक कच्चे अंडे को एक कंक्रीट की जमीन पर इस तरह फेंकना है ताकि वो ना टूटे। तो दोस्तों, जो इस क्वेश्चन में लास्ट में आया है वो है वो ना टूटे, मतलब कि कंक्रीट की दीवार ना टूटे, ना कि एग। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जो कंक्रीट की दीवार होती है वो काफी ज्यादा मजबूत होती है, जो कि अंडे को फेंकने से बिल्कुल नहीं टूट सकती, और अगर आपको उसे तोड़ना भी है तो आपको काफी बड़ी बड़ी मशीन चाहिए। तो दोस्तों, जिन लोगों को क्वेश्चन अभी समझ नहीं आया वो लोग वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से सुन सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपको इस क्वेश्चन को भी काफी ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर भी इसके क्वेश्चन में छुपा हुआ है। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि अगर कोई प्लेन इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीचों बीच क्रैश लैंड हो तो उसके सर्वाइवल्स को कहां पे दफनाया जाएगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में जो जगह होती है वो किसी की भी नहीं होती, ना ही इंडिया की ना ही पाकिस्तान की। अगर आपको आंसर पता लग गया है तो कमेंट करके बताओ। दोस्तों टाइम्स अप। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको इस क्वेश्चन को भी काफी ध्यान से सुनना है। तो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन में बोला था कि सर्वाइवल्स को कहां पे दफनाया जाएगा, और दोस्तों सर्वाइवल्स का मतलब होता है जिंदा बचे हुए लोग, ना कि मरे हुए लोग।
और दोस्तों जो लोग जिंदा बच गया आप उसको क्यों दफनाओगे? और वो प्लेन क्रैश लैंड हुआ था ना कि क्रैश हुआ था। तो चलिए दोस्तों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि दो जुड़वा बच्चे हैं जिनका जन्म मई में हुआ था लेकिन वो अपना बर्थडे जून में मनाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आंसर इसी में छुपा हुआ है। अगर आपको आंसर पता लग गया है तो कमेंट करके बताओ। दोस्तों टाइम्स अप। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो भी काफी ज्यादा सिंपल है क्योंकि इस क्वेश्चन को भी काफी स्मार्टली डिजाइन किया गया है। और दोस्तों जो इसका आंसर है वो है उन ट्विंस का यानी कि उन जुड़वा बच्चों का जन्म मई में हुआ था। यानी कि जो मई है वो एक टाउन है यानी कि एक जगह का नाम है। और जून में बर्थडे इसलिए मनाते हैं क्योंकि उनका जन्म जून महीने में हुआ था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। और दोस्तों ये क्वेश्चन है मैथ्स का। और दोस्तों क्वेश्चन है कि 5 + 5 + 5 = 550 कैसे होगा? इसको आपको ठीक करना है और आपको इसमें कोई नंबर नहीं डालना है। आप बस स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो बट अपनी मर्जी से पूरा का पूरा नंबर नहीं डालना है। अगर आपको आंसर पता लग गया है तो कमेंट करके बताओ। दोस्तों टाइम्स अप। तो दोस्तों इसका आंसर है कि अगर आप 5 और 5 के बीच में जो प्लस है उसके प्लस में वहां पे अगर लाइन ऐड कर दो कुछ इस तरह तो वो 4 बन जाएगा जिसके बाद ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो दोस्तों जिन लोगों को लग रहा है कि मैंने तो कोई नंबर डालने को मना किया था, तो दोस्तों मैंने किसी नंबर को डालने से मना किया था ना कि लाइन खींचने से मना किया था। और दोस्तों मैंने कोई नंबर नहीं बनाया है, मैंने खाली स्ट्रेट लाइन खींची है। दोस्तों ये वीडियो काफी लंबी बन रही थी इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप में से कई सारे लोगों को लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं है। तो इस वीडियो को पार्ट 2 आपको अगले हफ्ते मिलेगा। और अगर कोई इस वीडियो को 2-3 महीने बाद देख रहा है या फिर कुछ साल बाद देख रहा है तो अब तक वो वीडियो मेरे चैनल पे होगी, तो आप उस वीडियो को ढूंढ के चेक कर सकते हैं। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके कितने आंसर सही थे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और दोस्तों अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो टेक फैक्ट टीवी को इन सभी जगहों पे सब्सक्राइब और फॉलो कर लो ताकि आपको रोज ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको क्रोम की शॉर्टकट कीज जाननी है तो फिर आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, वरना ये वाली देख लो, मर्जी आपकी है।